वो उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी पहुंचे चाडी, पूर्व मंत्री महिपाल मदेना को श्रद्धांजलि दी। शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की। मदेना परिवार को ढांढस भी बधाया। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे। कांग्रेस नेता हरीश मिर्धा भी साथ में उनके मौजूद रहे। पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी जब चाडी गांव पहुंचे उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे। यहां पहुंच करके पूर्व मंत्री महिपाल मदेना को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिजनों से मिलकर के संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की, संवेदनाएं व्यक्त की। महिपाल परिवार को ढांढस भी बधाया। अभी हाल ही में निधन हुआ महिपाल मदेना का। लगातार तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी यूनुस जुड़ चुके हैं। यूनुस, वहाँ पर पहुंचे सहदेव चौधरी उसी वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अभी वहाँ से रवाना हो चुके हैं, कितनी देर रुके? यूनुस, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, आवाज मिल रही है आपकी जी। वहाँ पर पहुंचे हुए थे सहदेव चौधरी, कितनी देर वहाँ पर रुके और क्या जानकारी है अभी? देखिए, नागौर के जो उप जिला प्रमुख हैं डॉक्टर सहदेव चौधरी, वो वहाँ चांडी गांव पहुंचे जहाँ मदेना परिवार से मुलाकात करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके जो दुख की घड़ी में उन्हें सहानुभूति बनाई गई है। अच्छा, कितनी देर वहाँ पर रुके, अब वहाँ से रवाना हो चुके हैं निवास से? डॉक्टर सहदेव चौधरी वहाँ से रवाना होकर अब बेगाना के पास में जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रशासन गांव के संग अभियान का, वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप पूरी जानकारी के लिए। जब यहाँ पर पहुंचे उसी वक्त की तस्वीर है। अभी कुछ देर रुकने के बाद ढांढस बधाया परिवार को। दिव्या मदेना के साथ में बातचीत भी की, मदेना परिवार को ढांढस बधाया और उसके बाद अब यहाँ से निकल गए हैं। कार्यक्रम होना है आगे सीएम का नागौर में, प्रशासन गांव के संग उस अभियान में शामिल होने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत, जो शिविर अभियान के तहत लगाया जा रहा है नागौर में। वहां पर अधिकारियों से जानकारी सीएम लेंगे, उसी कार्यक्रम में जाने वाले हैं सहदेव चौधरी। पूर्व उप जिला प्रमुख हैं जब महिपाल मदेना के निवास स्थान पर पहुंचे चाडी गांव उसी वक्त की तस्वीर। यहां पर पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ में तमाम जो कार्यकर्ता वो भी यहां पर पहुंचे। कांग्रेस नेता हरीश मिर्धा भी उनके साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कुछ देर यहां पर वक्त बिताने के बाद सीधे रवाना हो गए हैं नागौर के लिए। ये सीएम पहुंचने वाले हैं, वो पहुंच के सीएम पहुंच गए।